हाँ तो अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो 3 to 6 मैं तब भी अवेलेबल हूँ सेंटर पे, तुम लोग को पेपर में कोई डाउट है तो सेंटर पे आके डिस्कस कर सकते हो डायरेक्ट, अदरवाइज उसका एक सेपरेट सेशन भी रख लेंगे, है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है आर्यन। ओके सर। हाँ सो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन सीरीज वगैरह, सब कुछ कंप्लीट हो गया था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और फिर हम लोग आ गए थे एप्लीकेशंस पे। इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है काफी सिंपल, रिमाइंडर रिलेटेड क्वेश्चंस। सो इसमें इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, 7 to the power 103 डिवाइडेड बाय 25, फाइंड आउट द रिमाइंडर। बेसिकली कंसेप्ट जस्ट इतना है कि आपको 7 यानी कि दिस डिविडेंड, इसको रिलेट करना होता है विद दिस डिवाइजर। सो 7 square 49, दैट इज 50 माइनस 1, तो 7 square यानी दिस नंबर शुड बी इवन, एक 7 सेपरेट, रिमेनिंग है 7 to the power 102, और इसको भी लिखोगे 49 to the power 51, वेयर 49 इज 50 माइनस 1। ठीक है, अभी दिस नंबर है 50 के एंड -1 to the power 51 यानी कि -1 टाइप नंबर, इसको आप करोगे अंदर मल्टीप्लाई, नाउ दिस इज 7 into 50 के -7। Now this expression is divided by 25 50 के, यानी multiple of 50, तो obviously बात है multiple of 25 भी रहा होगा वो, तो ये है already divisible, remaining है just -7। आर्या इसके next step explain करो अभी। हाँ सर, उधर +18 -18 करेंगे, ये नहीं, पॉजिटिव डायरेक्ट रिमाइंडर डायरेक्ट -7 में क्या प्रॉब्लम है? सर। वो नेगेटिव रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर तो नेगेटिव नहीं हाँ तो होता। देखो यार, रिमाइंडर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, लाइक कभी भी आप ऐसे डिवाइड वगैरह करते हो तो फाइनली आंसर नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन डिवाइजर, करेक्ट है। सो दिस इज -7, अभी इसके अंदर -18 और +18 -25, ये भी डिविजिबल बाई 25, रिमेनिंग है जस्ट 18 18, और ये इसका रिमाइंडर है, करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चंस थे काफी सारे, ये हो गए थे, फिर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को बोला था, हो गया। सर। आर इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1, एक्सप्लेन करोगे? हाँ यस सर। बोलो। सर 2608 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 21 57 49 18, और अभी है 2। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। फिर वो सर गलत हुआ है शायद मेरा। क्या मिस्टेक हुआ है? सर वो क्वेश्चन कुछ अलग आया है। नहीं, क्वेश्चन तो मैटर भी नहीं करता यार, तुम रिमाइंडर कितना आ रहा है ये बताओ। 4 आ रहा है क्या? नहीं, मेरा फिक्स आ रहा है। 6? नहीं, हाँ 6 तो नहीं आना चाहिए। 7 3 जा 21 50 7 7 49 1 18 7 2 14, रिमेनिंग है 4। सो 2608 इज 372 into 7 plus 4। ठीक है, सो 372 into 7 plus 4, दिस पावर 16। नाइन जीरो हाँ, एंड दिस विल बी 372 into 7 k plus 4 to the power 1690 टाइप ऑफ नंबर। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय सेवन 7, ये ऑलरेडी डिविजिबल, रिमेनिंग है जस्ट, फोर टू दी पावर 1690। सो बेसिकली जितना भी डिविजिबल पोर्शन होता है ना, उसको आप रिमूव करते हो और रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्व करते हो। अभी प्रॉब्लम क्या है, 4 to the power 1690, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, इसके प्लेस पे सपोज करो होता जस्ट दिस, तो 1 to the power एनी नंबर विल बी 1, रिमाइंडर है जस्ट, वन हाँ, वन वन के प्लेस पे 2 है तो फिर इशू है, 1 के प्लेस पे -1 है तो भी कोई इशू नहीं है। सपोज करो ये कुछ ऐसे रहा होता, -1 to the power 1690 और 7, अभी रिमाइंडर सिक्स 1690 1, वन 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 इसके प्लेस पे सपोज करो है दिस 1691, अभी रिमाइंडर, क्योंकि सिक्स आएगा -1, -6 plus 6 यानी कि 6। ठीक है, सो दिस इज 4 to the power 1690, नाउ दिस पोर्शन इज डिवाइडेड बाय 7, आपको रिलेट करना है 4 विद 7, क्या करना चाहिए? वो पहले 2 रेस 2 लिखना चाहिए।
वो भी कर सकते हो, वरना 4 क्यूब होता है 64, 64 इज 63 प्लस 1, 63 यानी कि मल्टीपल ऑफ 7, सो 4 क्यूब कंसीडर करने वाले, हाँ 4 क्यूब कंसीडर करने वाले हैं, क्यूब का मतलब दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 है क्या बोलो, 1 प्लस 6, 7 प्लस 9 यानी कि 70, सो 7 प्लस 9 यानी 16, सो बेसिकली 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 4 सेपरेट, रिमेनिंग है 4 टू द पावर 168 9, now 4 cube or remaining 563, okay hai, 4 cube is 64, 63 plus 1 to the power 563, now this will be 4 times 63k plus 1 to the power 563 which will be one type of number, yani ye ho gaya abhi 4 into 63k plus 4. Now this expression is divided by 7. This expression already divisible by 7. Can be removed. Remaining hai just 4. 4. Ye iska answer. 2 mein express karte ho to bhi koi issue nahi. 2 mein express karo fir 2 cube consider karo 8 which is 7 plus 1. To kafi simple concept hai. As such what the concept nahi aa rahi hai na remainder wala. So this was application 1. Now application 2. Determining last digit or last two digits or last three digits of a number. ऐसे नहीं होता देखो है ना कि 1 4 6 7 6 5 9 2, तो ये दिख रहा है यार लास्ट डिजिट है इसका 2, लास्ट या फिर यूनिट भी बोल सकते हो, लास्ट टू डिजिट्स 92 एंड लास्ट थ्री डिजिट्स 592, ठीक है, इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है लाइक दिस 81 टू द पावर 25 इज इक्वल टू, काफी बड़ा नंबर आने वाला है ये, और इसके लास्ट डिजिट्स हैं दिस ए बी सी, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी. अच्छा सी क्या लग रहा है बोलो, 1 डेफिनेटली बनाएगा, सी इज बेसिकली यूनिट डिजिट, सी इज बेसिकली यूनिट डिजिट, एंड यूनिट डिजिट के लिए जस्ट यूनिट डिजिट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक तुम 71, 81, 61, 31, 1 करोड़, एनीथिंग 1, इसके ऊपर कोई भी इंडेक्स अप्लाई कर दो यूनिट डिजिट के लिए जस्ट दिस रेस्पॉन्सिबल है, एंड 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी 1 1 1, 73 टू द पावर 69, 83 टू द पावर 69, 1 करोड़ एनीथिंग 3 टू द पावर 69, इन सब का यूनिट डिजिट डेफिनेटली 3 7, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये मैटर ही नहीं करता है. देखो जैसे सपोज करो क्वेश्चन है ये 51 into 79 into 63 into let's say 103 into 257 4 लिख देते हैं और 160 कुछ भी लिख दो, 165 लिखता है, ठीक है. अच्छा ये क्लियर है ना, 165 इसका यूनिट डिजिट है 5, 5 का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो यूनिट डिजिट आइदर 5 और रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि दिस कैन बी रिमूव, दिस रिमूव, दिस रिमूव, दिस रिमूव और दिस भी रिमूव. नाउ 1 × 9 27 में 2 फिर रिमूव करो, मैटर नहीं करता है. 7 × 3 21 2 रिमूव करो, 1 × 4 4 यानी डेफिनेटली आंसर आएगा 4. अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ नहीं होता इन चीजों का, है ना, ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजें होती हैं. ओके सो क्वेश्चन है अभी 81 टू द पावर 25 और ये तो क्लियर है कि सी विल बी 1, ऑप्शंस तुम्हें दिखते हैं, सपोज करो ऐसा कुछ लाइक 131 253, 252, 1024, definitely option A.
वो पॉसिबल है नहीं इस तरीके से ऑप्शन आना 100% ए बी सी डी. इन चार ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट डिजिट क्या दिखेगा? क्या ऑब्वियस ही बात है ना, इतने बड़े लेवल पे हम लोग ऐसे ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर सकते कि पता लग जाए देखते. ठीक है, सो बेसिकली कंसर्न है यहाँ पे ए और बी फाइंड करना. अब एक देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, और एक थोड़ा सा फील करना है चीज को. लाइक सपोज करो ऐसा कुछ आप ऐड कर रहे हो, लेट्स से दिस, काफी सारे जीरोस है यहाँ पे, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है, और फिर ये नंबर है. इन सबको आप ऐड करते हो तो यूनिट डिजिट की कैलकुलेशंस में इन जीरो का कोई यूज हो रहा है क्या? क्योंकि जीरो प्लस एनीथिंग जीरो का यूज नहीं होता वहां पे. हाँ माइनस करते हो तो फिर डेफिनेटली यूज होगा, लाइक 350 + 49. ठीक है, 0 + 9 जीरो का यूज नहीं है यहाँ पे, आंसर विल बी 9, मतलब यूनिट डिजिट. लेकिन सपोज करो इसके प्लेस पे आप इनको डिफरेंस क्रिएट करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, तो फिर जीरो का यूज है, देन यहाँ पे 9 नहीं आने वाला, दिस विल बी 10 - 1. तो जस्ट इतना कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सपेंशन में काफी सारे जीरोस क्रिएट कर देते हैं. एंड जीरोस क्रिएट करने के लिए इसको ये लिखो लाइक दिस, 80 + 1 to the power 25. ठीक है, एक्सपेंड करते हैं 25 से 0, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, 80 to the power 25, यानी यहाँ पे मिनिमम 25 जीरोस आने वाले हैं. क्लियर? यूज नहीं है इसका. फिर 25C1, 80 to the power 24, यहाँ पे 24 टाइम्स जीरो, सो बेसिकली लास्ट नंबर देखते हैं, डायरेक्ट लास्ट नंबर विल बी 1. इसके पहले 25C24, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टू द पावर टेल, इसके पहले 25C23, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल. अभी और नंबर लिखने का रिक्वायरमेंट जनरली होता नहीं, एक बार इनको देखते हैं नंबर आके आ रहा है ना. दिस इज 1, दिस इज 25 × 80, 25 × 8 = 200, सो 200 or 000. ठीक है, दिस इज 25C23, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, आंसर इज हेड माइनस 1/2, यानी कि 25 × 12 = 60, और ये हो गया है 300 × 64, और दो जीरो और, सो 3 × 64 = 190, 2 1 2 3 4. ओके, अभी यहाँ पे और भी जीरोस आने वाले हैं. ठीक है, आप इनको ऐड करते हो तो एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस, यहाँ पे और जीरोस और मिलेंगे तुम्हें बाकी नंबर्स के अंदर. तो क्लियरली इनको ऐड करने के बाद यूनिट 3 डिजिट्स 001 001 001, ये इसका आंसर. बिट्स प्लानी वगैरह उसमें काफी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बिट्स प्लानी हो गया, वीआईटी वेलोर हो गया, ठीक है, उनमें आते हैं क्वेश्चंस ये. बताओ टफ ऐसा कुछ लग रहा है तो बोलो. तो कंसेप्ट इस, ये आप जीरो क्रिएट करते हो यहाँ पे, क्योंकि जीरो का ये एडिशन में यूज हो नहीं पाता है कुछ भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. दिस 3 to the power 25, फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स, ये ट्राई करो.
अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो क्वेश्चन होता दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 1000, फाइंड आउट रिमाइंडर. क्या आंसर है बोलो. This can be written as this 1 2 3 4 5 6 3 0s plus 7 89. This portion divisible by 1000, remaining here this. So basically last three digits ya fir remainder after division of 1000, same answer. To the power 25, this relate karoge aap with 10. 9 plus 1. So 3 separate. Remaining hai 3 to the power 24. Now 3 square 9 to the power 12. 9 is 10 minus 1 to the power 12. Correct. Aur abhi expansion. 12 सी 0, 10 टू द पावर 12, लास्ट में 1, माइनस 1 टू द पावर 12 विल बी प्लस 1, एंड बिफोर दिस 12 सी 11, फर्स्ट नंबर 10 टू द पावर हेड माइनस टेल यानी कि 1, सेकंड नंबर इज माइनस 1 टू द पावर टेल यानी 11, सो नेगेटिव. एंड बिफोर दिस 12 सी 10, फर्स्ट नंबर 10 टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर इज माइनस 1 टू द पावर 10 इज प्लस वन. लास्ट थ्री नंबर्स लिखने होते हैं यहाँ पे. 12 सी 10, टेल है हेड माइनस 2, आंसर इज हेड एंड माइनस 1 अपॉन 2, 66 एंड 2 जीरोस माइनस 120 और प्लस 1. दिस कैलकुलेट करो, लास्ट में मल्टीप्लाई विद 3 करना और बस ये इतना ही क्वेश्चन. Final answer? 443. This try करते हैं. So who will explain this question? 17 to the power 10. Again, last three digits. 10 plus 7. 17 square. 17 square is 289, which is 290 minus 1 to the power 5. 5. Correct.
and this expansion 5c0 290 to the power 5. इसमें 5 zeros है minimum. Last में minus 1 to the power 5 is minus 1 and before this 5c4 first number to the power head minus tail यानी कि 1. Second number is minus 1 to the power tail यानी कि 4. So minus 1 to the power 4 is plus 1. यार यहाँ पे एक पॉइंट और अभी तुम्हें थोड़ा सा फील करना पड़ेगा लाइक 5c3 290 स्क्वायर और माइनस 1 टू द पावर 3 दिस नंबर विल बी नेगेटिव. तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इन 3 को यूज करोगे आप क्योंकि नेगेटिव में है. इसके पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव ही डोमिनेट है क्योंकि वो पॉजिटिव से स्टार्टिंग हो रहा है. तो बेसिकली अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है जस्ट लास्ट टू. हाँ लास्ट टू. वन फोर फाइव जीरो माइनस वन फोर फोर नाइन. वन फोर फोर नाइन यानी 449. यस ये इसका आंसर. फाइव सी थ्री फाइव फोर अपॉन टू यानी कि 10 और 19 स्क्वायर एट फोर्टी वन और जीरो जीरो और जीरो. ये एक्चुअल में नेगेटिव नंबर है. इसके पहले एक पॉजिटिव नंबर आ रहा होगा वो जीरो को कॉम्पनसेट कर देगा यहाँ पे. तो बेसिकली थ्री जीरोस इसके पहले और भी जीरोस लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं. 1450 और माइनस वन तो इनका कोई यूज ही नहीं है यहाँ. सो फाइनल आंसर इज जस्ट 449. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हाँ काफी सिंपल कंसेप्ट है. कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना हम लोगों की. कोई स्पेशल पैटर्न है ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट यहाँ पे टर्म्स लिख लेते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हो और पॉजिटिव तक यूज करते हो बस इतना है. यहाँ पे था माइनस प्लस इसके पहले वाले क्वेश्चन में था प्लस माइनस. यहाँ पे ब्रेक नहीं करोगे प्लस को यूज करोगे. और वैसे भी यार यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा थर्ड डिजिट के अंदर या थर्ड नंबर के अंदर नॉन जीरो नंबर आ रहा है. ये इसके प्लेस पे सपोज करो ये रहा होता ना फिर ये भी यूज नहीं हो पाता. नेक्स्ट एप्लीकेशन. नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कंपैरिजन. लाइक सपोज करो ए है दिस नंबर 19 टू द पावर 50 100 टू द पावर 50 और बी है दिस नंबर 101 टू द पावर 50. आपको डिसाइड करना है ए इज इक्वल टू बी लेस देन बी और ग्रेटर देन बी. सपोज करो इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस अभी क्या आंसर है. ऑप्शन बी ए लेस देन बी ऑब्वियसली बात है क्योंकि 100 तो कम ही होता है 101 से. तो ये एक्चुअल में कम था इसमें मैंने थोड़ा और ऐड किया है. अभी डिसाइड करना है कि इसको ऐड करने के बाद भी ये कम है या फिर ये इक्वल है या फिर ये इससे ग्रेटर है. देखो यार एक कंसेप्ट ये होता है जैसे सपोज करो ए नंबर है बी नंबर है हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ग्रेटर देन बी लेस देन बी या इक्वल टू बी. तो एक मेथड तो ये होता है कि आप ए अपॉन बी ट्राई कर लो. a upon b suppose करो greater than 1 आ गया यानी a greater than b. b a greater than b. a upon b less than 1 आता है तो a less than b. या फिर तुम ये भी कर सकते हो a minus b चेक करो. a minus b suppose करो positive आता है यानी definitely a greater than b. और a minus b negative आता है तो a less than b. b. ऐसे कोई चैप्टर नहीं होता. ये क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में. क्वेश्चंस भी क्या आते हैं एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है किसी स्टेप में डिसाइड करने का कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो फिर वहां पे चीजें यूज होती हैं. ठीक है अभी ए है 19 टू द पावर 50 101 टू द पावर 50 100 टू द पावर 50. इसमें एक सिंपल सा कांसेप्ट है कि जितने भी नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं उन सबको आप सेम नंबर में कन्वर्ट करते हैं.
Like this can be written as 100 minus 1. This can be written as 100 plus 1. 100 plus 1. 100 plus 1. तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो. लाइक like इसको लिखा 99 प्लस 1 और इसको 99 प्लस 2. प्रॉब्लम क्या होती है, 99 प्लस 2 टू द पावर 50 आप यूज करते हो तो स्टार्टिंग में काफी सारे 99 आएंगे और लास्ट में 2 टू द पावर 50. इस चीज को थोड़ा फील करने का ट्राई करो. 2 टू द पावर 50 को छोटा मोटा नंबर नहीं है. 2 टू द पावर 50 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है. प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है. 1 के ऊपर तुम कुछ भी लगा दो, दिस विल बी ऑलवेज वन. तो ये इसका कोई टेंशन ही नहीं है. ये कोई कैलकुलेट नहीं करना होता आपको, ये सोचना पड़ता है. या फिर ये भी होता तो भी कोई इश्यू नहीं है. दिस विल बी प्लस वन और माइनस वन. मतलब इवन पावर है तो प्लस वन, नेगेटिव ऑड पावर है तो माइनस वन. सो बेसिकली यहाँ पे 99 को यूज करोगे आप 100 माइनस वन, दिस को यूज करोगे 100 प्लस वन. सो ए इज इक्वल टू 100 माइनस वन टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50 एंड बी इज 100 प्लस 1 टू द पावर 50. इनको करते हैं थोड़ा सा एक्सपेंड. लाइक स्टार्टिंग में दिस इज 100 टू द पावर 50, फिर आएगा 50 सी 1 फर्स्ट नंबर टू द पावर 49. अच्छा माइनस होता है यहाँ पे तो प्लस माइनस प्लस माइनस. देन 50 सी 2 100 टू द पावर 48, फिर 50 सी 3 प्लस माइनस प्लस माइनस, लास्ट में माइनस 1 टू द पावर 50 यानी कि 1 टू द पावर 50 यानी कि जस्ट 1. और इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है, 100 टू द पावर 50. सेकंड एक्सप्रेशन इज दिस 100 प्लस 1 टू द पावर 50. सो दिस इज 100 टू द पावर 50 प्लस 50 सी 1 100 टू द पावर 49 प्लस 50 सी 2 100 टू द पावर 48 और लास्ट में है जस्ट वन. अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर लो, ट्राई करो, देखो आगे क्या लगता है. ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू और लेस देन ए लेस देन बी. ए लेस देन बी. हाँ तो इसका आंसर आएगा ए लेस देन बी, करेक्ट. हर्षदा कैसे ऑब्जर्व किया ए लेस देन बी? वो ए में माइनस होते, माइनस भी है ना, और बी में सिर्फ ऐड ही हो रहा है. नहीं लेकिन ए के अंदर ये भी तो टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है भाई. ये टर्म तो सेम ही है. सर दोनों को ऐड करें? ऐड करने से नहीं होता है. सपोज करो ए प्लस बी पॉजिटिव है तो तुम ए और बी के बारे में कुछ कमेंट करोगे क्या? ए ग्रेटर देन बी या लेस देन बी? नहीं, फिर माइनस. माइनस ही करते हैं, माइनस ही करते हैं, डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लिकेशन भी कमेंट नहीं करते हैं, डिवीजन या फिर डिफरेंस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यार उसी से होता है, उसी से. तो यहां तक तो टर्म दोनों में सेम है, बस ये है प्लस प्लस प्लस. सपोज करो जस्ट इतना पोर्शन होता, हाँ तो क्लियर है कि इसमें तो सारे टर्म ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ टर्म माइनस है. तो माइनस है मतलब डिक्रीज वैल्यू कम, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड हो रहा है? 100 टू द पावर 50 और ये बहुत बड़ा नंबर है 100 टू द पावर 50. तो अभी करते हैं डिफरेंस ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, जो भी तुम्हें ठीक लगता है. सो ए माइनस बी नेक्स्ट बोलो. नेगेटिव आएगा 100 टू द पावर 50 आएगा. साइन चेंज 50 सी 1 इस पोर्शन कैंसिल और ये हो गया टू टाइम्स ऑड टर्म्स, इवन टर्म्स. इवन टर्म, हाँ ऑड टर्म्स. ऑड टर्म्स. अब एक पॉइंट थोड़ा समझने का ट्राई करना. ये है 100 टू द पावर 49, 50 सी 1 होता है जस्ट 15 और ये हो गया टू टाइम्स. चलो मैं लिख के बताता हूँ तुमको. So minus 2 times 50 C 1 100 to the power 49, फिर 50 C 3 100 to the power 47 and so on. और यहाँ पे just एक term remaining है which is 100 to the power 50. ये सब remaining है.
50 सीवन होता है 50 इनटू 200 100 इनटू 100 टू द पावर 49 एंड 100 टू द पावर 50 दिस पोर्शन कैंसिल अभी इसमें क्या रिमेनिंग है नेगेटिव टर्म्स जस्ट नेगेटिव टर्म्स जस्ट पॉजिटिव टर्म्स या सम नेगेटिव सम पॉजिटिव जस्ट नेगेटिव टर्म्स ओनली नेगेटिव टर्म्स सो क्लियरली a माइनस b नेगेटिव a लेस देन b सर वो कैंसिल कैसे किया आपने 50 c 1 टिल 1 आंसर 50 ठीक है 15 to 2 100 हाँ हाँ समझे 100 to the power 49 ये रहा 100 तुमने भी बस जस्ट बोला यहाँ पे तो ये हो गया 100 to the power 50 और ये कैंसिल अच्छा yes, एक पॉइंट और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको ये पूरा मेथड ही फॉलो करना है तुम्हें डाइट दिखता है तो भी ओके कोई इशू नहीं है ओके सो दिस वाज एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन 1 रिमाइंडर एप्लीकेशन 2 यूनिट 3 डिजिट्स एप्लीकेशन 3 कंपैरिजन ये तीनों ही काफी सिंपल होते हैं कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर स्पेशल कंसेप्ट है एप्लीकेशन 4 के अंदर और ये भी काफी सिंपल है काफी स्टूडेंट्स डाउट्स पूछ रहे थे इसके रिगार्डिंग समर्थ तुम हो यहाँ पे यस सर हाँ तो बेटा वही है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑब्लिक एलजेब्रिकली अच्छा न्यूमेरिक और एलजेब्रिक इन दोनों में डिफरेंस क्या है न्यूमेरिक में सर कांस्टेंट नंबर्स होंगे बस यार ऐसा होता है एक्चुअली देखो ऐसा कोई बहुत स्पेशल डिफरेंस नहीं है न्यूमेरिकली के अंदर हम लोग जस्ट उसका मैग्नीट्यूड ही ऑब्जर्व करते हैं एलजेब्रिकली का मतलब होता है विद साइन ऑब्जर्व करना लाइक 5 ग्रेटर देन 4 न्यूमेरिकली एलजेब्रिकली बोथ करेक्ट स्टेटमेंट है ओके ठीक है माइनस 5 ग्रेटर देन माइनस 4 ये न्यूमेरिकली करेक्ट है एलजेब्रिकली फॉल्स है अंडरस्टूड यस सर हाँ तो एलजेब्रिक का मतलब होता है विद साइन न्यूमेरिकली का मतलब होता है जस्ट ये सब समझना अच्छे से ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन 4 से मतलब मेंस एडवांस और सीईटी में नहीं आते मेंस एडवांस में आते हैं बाकी एप्लीकेशन 1 2 3 से बिट्स प्लान या तो अदर जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में आते हैं सो क्वेश्चन है 3 प्लस 2x पावर 20 ओके और अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 21 ठीक है सपोज करो क्वेश्चन ये रहा कि टर्म कंपेयर करो टर्म्स तो टर्म्स का कंपैरिजन यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि हर टर्म में एक्स आने वाला है अंडरस्टूड ऐसा नहीं होता कि 5x ग्रेटर देन 3x ऐसा होता है क्या नो सर हाँ बिकॉज़ वो x वेरिएबल है x पे डिपेंड करेगा ठीक है सो 3 प्लस 2x पावर 20 इन दिस क्वेश्चन वी कैन नॉट कंपेयर टर्म्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ x बट वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स जैसे समझ गए होंगे सपोज करो इस तरीके से कोई कोफिशिएंट है 20c3 और एक कोफिशिएंट है 20c4 यहां पे है लेट्स से x दिस है लेट्स से x क्यूब तो कोफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब हो गया जस्ट इनको कंपेयर करना ठीक है एंड डेफिनेटली 20c4 विल बी ग्रेटर देन 20c3 क्योंकि वैल्यू कंटीन्यूअसली इंक्रीज होती है टॉप आता है कहां पे 20c 20 10 10 10 इवन है तो जस्ट n अपॉन 2 ऑड है तो n माइनस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 अपॉन 2 इसके प्लेस पे सपोज करो ये रहा होता 19 cr तो दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन r इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2 19 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 9 और 10
10 बिकॉज 19 सी 9 और हेड सी हेड माइनस टेल 19 सी 10 सेम ही होते हैं. ठीक है, अभी क्या टर्म्स का कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर सकते हो. एक पॉइंट और, ये मैंने डेमोज में बताया था कॉन्सेप्ट. सपोज करो जैसे इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 21, हर टर्म में कुछ एक्स आएगा, एक टर्म ऐसे भी आएगा जहां पे एक्स नहीं आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म. और सपोज करो आपको फाइंड करना है समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, समेशन ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वन, वन पुट कर देते हैं. लाइक क्वेश्चन होता है दिस, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करते हो, यू विल गेट दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी. कोफिशियंट है वन, कोफिशियंट है वन वन टू टू टू, समेशन ऑफ ऑल कोफिशियंट कितना आ रहा है, वन 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 टू टू टू, यानी टोटल नाइन नाइन. तो समेशन ऑफ ऑल कोफिशियंट फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको वन पुट कर देते हैं. तो वन 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 थ्री स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, वन क्यों पुट करते हैं, क्योंकि वन ही एक्चुअल में क्या होता है ना, ऐसा नंबर होता है जो कि बाकी नंबर्स को इफेक्ट नहीं करता है. सपोज करो थ्री एक्स है, आप चाहते हो कि यहाँ पे जस्ट थ्री रहे, एक्स हटे, तो एक्स कितना पुट कर दो, one. तो क्या हुआ, एक्स के साथ में जितने भी नंबर्स है ना वो सब डिस्टर्ब नहीं हुए, तुम एक्स को कुछ और पुट करते हो, लेट से माइनस वन पुट करते हो, तो ये माइनस थ्री हो गया, वो नंबर डिस्टर्ब हो गया अभी, तो इसलिए वन पुट करते हैं. ओके, ठीक है. सो बेसिकली क्वेश्चन होता है दिस की 3 प्लस 2x टू द पावर 20 फाइंड आउट मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, फाइंड आउट मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो कितना आंसर है 20 सी 10. देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और टर्म, ये तीनों अलग चीजें हैं. जैसे इसका जनरल टर्म हम लोग लिखते हैं तो दैट विल बी 20 सी आर, फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर टू द पावर टेल, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये है पूरा कोफिशिएंट 20 सी आर, 3 टू द पावर 20 माइनस आर और 2 टू द पावर आर आर, और ये है टर्म, इसमें x भी आएगा, 20 सी आर, 3 टू द पावर 20 माइनस आर, 2 टू द पावर आर, x टू द पावर आर, ये टर्म है. सो दिस टर्म, दिस पोर्शन कोफिशिएंट और दिस पोर्शन बाइनोमियल कोफिशिएंट. तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली पढ़ना चाहिए कि वहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या फिर कोफिशिएंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या फिर पूरे टर्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियरली देखना चाहिए हम लोग. ठीक है, अभी सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, ओके है, आंसर है 20 सी 10. सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड आउट मैक्सिमम कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आप, तो आप x इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हो, वन. ठीक है, मैं कोफिशिएंट की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं टर्म की बात कर रहा हूं, टर्म में आएगा x, और कंपैरिजन करने के लिए आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए. ठीक है, तो लेट्स से यहां पे x गिवन है -2 बोल देते हैं एक सेकंड के लिए. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है, जैसे इसमें क्या टोटल कितने टर्म्स हैं, 21 टर्म्स हैं. यहाँ पे एक्चुअल में तुम 21 टर्म्स को लिखोगे ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और लास्ट में 21st टर्म. इसको केयरफुली सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ. तो यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता, इनके मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं अभी ना, जस्ट मैग्नीट्यूड. तो एक्चुअल में ऐसा कभी होता नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड तुम्हें अप डाउन जैसा मिलता है, कि सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 20, इसका मैग्नीट्यूड है 15, फिर इसका मैग्नीट्यूड हो गया 23, फिर इसका मैग्नीट्यूड दोबारा से कम 18, फिर बढ़ गया फिर कम, ऐसे नहीं होता है. आइदर मैग्नीट्यूड विल स्ट्रिक्टली increasing. हाँ, तो ये रेंडम ऐसे रेंडम डांस नहीं करते हैं लोग कि अप डाउन, इनका मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं होता है. Either strictly increasing. Suppose करो strictly increasing होता, तो greatest magnitude term will be 20 C 20.
21st टर्म, टर्म की बात कर रहा हूं, 21st टर्म, 21st सपोज करो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट टर्म ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म, आइदर ग्राफ है दिस, तो इसमें जो पोजीशन टॉप पे आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, यहां पे जो सबसे बॉटम में आएगा उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम है, क्लियर? तो इसका पोजीशन हम लोग फाइंड करते हैं, जस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात हो रही होती तो क्लियरली 20 सी 10. अभी टर्म का कंपैरिजन कर रहे हैं, टर्म में आएगा x और x की वैल्यू गिवन है -2, x को इंक्लूड करने के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि 20 सी 10. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका ना, तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये तो क्या काफी सारे टर्म्स हो गए, कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्यूब. यशराज कोई भी नंबर बोलो यहाँ पे, टू टर्म्स, फाइव और आगे प्लस फोर एक्स, फाइव प्लस फोर एक्स. एक अपने मन से कोई भी एक्स की वैल्यू बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव एनी. -3 -2 हो जाता है, ठीक है. इसको ओपन करते हैं तो दिस इज ए क्यूब प्लस 3a² b, 3ab² प्लस बी क्यूब. तो माइनस भी यूज कर सकते हो, माइनस भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. वैसे भी अभी हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड ही कंपेयर कर रहे हैं. यस सर. सो ए क्यूब इज 125, 3a² 25, b इज 4x, 4x इज 8, और ये हो गया b 4 × -2, 8, 25, -600, 200 into 3 यानी -600, then 3a और b square is 16, x square is 4, this is 15, this is 64, 960, and last में 4x का whole cube, यानी कि 64x³ is 8. 512 मैग्नीट्यूड ऐसे अप डाउन दिख रहा है क्या? इंक्रीज और फिर लास्ट में डिक्रीज. सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड टर्म इज थर्ड टर्म, आर इज इक्वल टू टू. तुम अपने मन से कोई भी एक्सपेंशन लेके देख लेना, एनी एक्सपेंशन एनी वैल्यू ऑफ एक्स, आपको मैग्नीट्यूड जो है ना वो अप डाउन नहीं मिलता है, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीज होके डिक्रीज. तो ये जो टॉप मोस्ट पोजीशन है इसी का भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. या वैसे एक्चुअली क्या होता है ना, इसका 12th में ग्राफ बनाते हो आप तो ग्राफ ऐसे ही बनता है इसका, आइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ऐसे. जैसे इसके प्लेस पे ये होता है 3 + 2x का होल स्क्वायर, तो ये तो क्वाड्रेटिक पैराबोला है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है पॉजिटिव, ग्राफ विल बी लाइक दिस. अभी इसके प्लेस पे पावर 20 है, तो 12th में हम लोग पावर 20, 30 इतनी पावर्स होते हैं वो सब भी सीख लेते हैं, 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन है दिस 3 + 2x / 20 वेयर x इज इक्वल टू -2, फाइंड आउट द टर्म हैविंग मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट न्यूमेरिकली, सेकेंड एल्जेब्रिकली. ठीक है, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी सिंपल ही है. इसका एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन बता देता हूं मैं, ठीक है. उसका फॉर्मूला देखते हैं फिर बाद में, मतलब उसका प्रूफ बाद में देखते हैं. सो बेसिकली एक्सप्रेशन इज दिस, कैलकुलेट एन प्लस वन अपॉन वन प्लस फर्स्ट अपॉन लास्ट, फर्स्ट अपॉन लास्ट, this first and this last with value of x. So basically first is 3 and last is -4. ये magnitude है ना, ये mod.
let's say this is m. If m is integer, if m is integer, then tm and tm plus 1 will be greatest magnitude terms. अच्छा दो टर्म ग्रेटेस्ट है तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या हुआ फिर इसका? नहीं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, लाइक दो लोगों की फर्स्ट रैंक है, इसका मतलब दोनों के मार्क्स सेम आए होंगे ना? हाँ, यहाँ पे ऑड इवन जैसा नहीं है यार, है ना, ऑड इवन जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मिडिल टर्म की बात नहीं हो रही है। तो ये दोनों टर्म ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म्स है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल रहे होंगे। यार एक चीज क्लियर कर लो, है ना, ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, मतलब मिडिल टर्म की बात नहीं हो रही है। लाइक अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था पावर 3, उसमें थे टोटल 4 टर्म्स और ये टर्म मैक्सिमम था, तो ये टर्म मिडिल टर्म है क्या? बोलो, मतलब मिडिल टर्म है, ठीक है, लेकिन मिडिल टर्म तो ये भी है ना। ओके, इफ m इंटीजर देन tm एंड tm प्लस 1 विल बी द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म्स, यानी दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं ग्रेटेस्ट होते हैं, दोनों के ही ग्रेटेस्ट है, मतलब दोनों इक्वल हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, तुम्हें पता चलेगा अपने आप से, इनमें से एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, एक नंबर जिसका साइन है नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड साइन है नेगेटिव और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, यानी वो एल्जेब्रिकली मैक्सिमम और मिनिमम, हाँ वो एल्जेब्रिकली मिनिमम हो गया एक्चुअल में, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ एम इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर का मतलब समथिंग पॉइंट समथिंग, बट इट्स इंटीग्रल पार्ट इज एम, like 5.4 का integer integral part 5, then only tm plus 1 will be the greatest magnitude term. ये concept है, example समझते हैं, clear हो जाएगा, बहुत easy है। Like question था this, 3 plus 2x power 20, x is equal to minus 2, we have to calculate this, n plus 1 upon 1 plus mod of first upon last, first is 3, last is 4, so this is 21 into 4 upon 7, and this equals to 12. और 12 इज इंटीजर, सो t12 एंड t30 विल बी ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म्स। इतना सा कंसेप्ट है बस। एंड 4t12 r इज इक्वल टू 11, r इज इक्वल टू 12, r is equal to 11 and r is equal to 12, expression hai this. So this is 20c11, first number to the power head minus tail, second number is minus 4 to the power tail. This is 20c12, first number to the power head minus tail, second number minus 4 to the power. This term is positive. This term negative. Negative.
100% इन दोनों की मैग्नीट्यूड विल बी सेम. अच्छा सपोज करो मेरे को ये चेक करना है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डिफरेंट है, क्या करना चाहिए? डिवाइड कर देंगे. हाँ वेरी गुड यार, है ना, ऐसा नहीं कि इनको कैलकुलेट करने बैठ गए, डिवाइड कर दो. डिवाइड करने के बाद वन आता है, मतलब डेफिनेटली सेम है. डिवीजन का एक बेनिफिट ये भी है, काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं. सो 20c11 3 टू द पावर 9 4 टू द पावर 11 अपॉन 20c12 3 टू द पावर 8 4 टू द पावर 12 दिस कैंसिल 4 टाइम्स दिस कैंसिल 3. हाँ ये फॉर्मूला बताया था ऑलरेडी, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 दिस इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस 1 आर. आर अभी ये रिवर्स होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में ज्यादा है इसलिए. तो ये हो गया n n माइनस आर प्लस 1 अपॉन 21 माइनस 12 9 अपॉन 12 यानी 3 अपॉन 4. तो 3 अपॉन 4 3 कैंसिल 4 इज आल्सो कैंसिल, यानी कि दोनों का डिवीजन कितना आ रहा है बोलो? 1 दोनों इक्वल है. ठीक है, this term is positive, clearly this is numerically and algebraically both greatest. This algebraically lowest. इतना सा concept है. इसके place पे suppose करो ये आ रहा होता 12.45, then top per will be only one term and which will be t 13. Correct. 13. Concept ka proper proof bhi hai, wo dekh lenge baad mein, pehle hi concept clear hona chahiye aapko. Next this try karo. Acha ek point aur, suppose karo isi mein aap x ke value change karte ho na to bhi answer bhi change hoga. Like suppose करो x है यहाँ पे let's say minus 3, this try करो. हाँ बोलो. लास्ट क्वेश्चन में वो x माइनस 2 था ना, तो हाँ बिल्कुल माइनस 4 माइनस 1 आएगा और माइनस 1 टू द पावर 21, तो फिर सॉल्व करने की क्या जरूरत थी? एक सेकंड फिर से बोलो. माइनस 4 माइनस 1 आएगा ना, तो फिर फाइनल आंसर 1 आता है. फाइनल आंसर 1 आता है मतलब कहाँ पे? माइनस 1 टू द पावर 21 होगा ना बेटा, तुम समझे ही नहीं. ठीक है, मतलब माइनस 1 टू द पावर 21 होगा, ये 1 है ठीक है, लेकिन ये तो एक ही टर्म है ना. ऐसे तो 3 प्लस 2 टू द पावर 3, हाउ मेनी टर्म? जस्ट 1 टर्म, 125. लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन कितने टर्म्स है वहां पे? फोर टर्म्स को मिक्स करने के बाद कितना आ रहा है? 120. T14 and T15. N plus 1 upon 1 plus first upon last. यानी कि 3 last is 6. Minus 6 है. Modulus apply करोगे 6. So this is 21 into 2 upon 3. यानी 14. Clearly T14.
पॉजिटिव ओके okay. अच्छा वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस सर। सो टी 14 एंड टी 15 विल बी ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म्स डन। 4t14 आर इज इक्वल टू 13 एंड 4t15 आर इज इक्वल टू 14. अच्छा R is equal to 13 पे क्या लग रहा है? This term will be negative or positive? Negative. 20 CR, first number to the power head minus tail, second number to the power tail. So this term will be negative and this term will be positive. पॉजिटिव भी है, मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम है, यानी कि न्यूमेरिकली एंड अलजेब्रिकली ये टर्म है मैक्सिमम। दिस टर्म इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है बट साइन नेगेटिव, तो न्यूमेरिकली तो ग्रेटेस्ट है बट अलजेब्रिकली दिस टर्म विल बी मिनिमम लोएस्ट। करेक्ट है। अब एक इसमें रिवर्स क्वेश्चन आता है, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लिटरली काफी इजी क्वेश्चन है। लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, 3 + 2x^20 इफ t9 इज द ग्रेटेस्ट इफ नाइन्थ टर्म इज द ग्रेटेस्ट magnitude term, then find the value of x. This is the question. t+2x^20 if ninth term is the greatest magnitude term, then find out all possible values of x.
So n plus 1 upon 1 plus first upon last. This value के बारे में क्या comment करोगे बोलो? 8 नहीं बोल सकते, सोच के बोलो. सेवन पॉइंट समथिंग नहीं, सेवन पॉइंट समथिंग नहीं, 8 पॉइंट समथिंग एक्चुअली. देखो यार, दिस वैल्यू सपोज करो इंटीजर आती है तो फिर ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म्स कितने आते हैं? जस्ट वन टर्म और टू टर्म्स दोनों के मैग्नीट्यूड. सपोज करो ये लेट्स से 8 आ जाता तो टी एम एंड टी नाइन बोथ विल बी ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड टर्म. यहाँ पर टी एट और टी नाइन है या जस्ट टी नाइन? इसके जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है ना, इसमें प्लस वन करते हैं. फिर से देखो इस कंसेप्ट. If m integer, what is m? N plus 1 upon 1 plus first upon last. Then tm and tm plus 1 will be greatest magnitude term. Or suppose karo ye non-integer hai. Let's say 6.8. But its integer part is m. Then tm plus 1 will be the greatest magnitude term. Let's say 6.81 आता, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है बोलो? 6. And greatest magnitude term will be 7. हाँ, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट भी हो गया. मतलब दो टर्म मैक्सिमम है तो इंटीजर आना चाहिए. जस्ट वन टर्म यार मैथ्स में तो होता ही है ना, वाइस वर्सा ही सब चलता ही है. दो टर्म मैक्सिमम है तो ये इंटीजर आना चाहिए. जस्ट वन टर्म मैक्सिमम है तो नॉन इंटीजर. ओके, अभी यहां पे है टी नाइन्थ, नाइन्थ टर्म ओनली, तो दिस वैल्यू शुड बी 7 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग और 8 पॉइंट समथिंग. 8 पॉइंट समथिंग. इस वैल्यू मस्ट बी 8 पॉइंट समथिंग. करेक्ट है. 8 पॉइंट समथिंग का मतलब ये हो गया n plus 1 is 21 upon 1 plus modulus of 3 upon 2 को कर लेते हैं बाहर और 1 upon mod x एक काम करते हैं पूरा लिखते हैं. greater than और less than क्या लिखोगे बोलो? 9 और इधर 8. हाँ, 8 और 9. equality यूज कर सकते हैं क्या? लाइक equality यूज करना चाहिए क्या? इक्वलिटी यूज करते हो मतलब ये 8 के इक्वल हो गया. 8 होता है इंटीजर, देन T8 एंड T9 टू वैल्यूज. यार ये थोड़ा अपने आप से देख लो इस चीज को, है ना. मतलब चलो मैं बोल देता हूँ, इंटीजर है m तो एक बार तो नंबर सेम है और एक बार प्लस 1 किया है. ये सब चीज आपको अपने आप से देखनी चाहिए ना. ये बोलने बड़ा अजीब लगता है कि m है और एक प्लस 1 किया है. नॉन इंटीजर है तो पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन उसमें प्लस 1. सपोज करो यहाँ पे इक्वलिटी अप्लाई करते हो, इट मीन्स T9 एंड T10 नहीं चाहिए हमें. सो दिस नंबर शुड बी 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 टू 9. इसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, फाइनली फाइंड करोगे x. एक काफी इजी सा कांसेप्ट है, दिस नंबर पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव, 1 ऐड करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव. पॉजिटिव नंबर्स को आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन सेम चेंज रेसिप्रोकल कर रहा है भाई. जितना बड़ा नंबर है डिवाइड में जाने पे उतना कम आउटपुट देगा ना आपको. यस, पर्पस फाइनली एक्स, हां पर्पस फाइनली एक्स एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से. तो पहले इसको न्यूमरेटर में लेके आ रहा हूं, कैलकुलेशंस इजी रहते हैं उससे. अपॉन
21 का क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ तीनों तरफ और फिर करोगे माइनस माइनस वन. अच्छा एक पॉइंट और, ये देखने में कंफर्टेबल लगता है या फिर दिस फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट अच्छा लग रहा है तो ठीक है ओके. बाकी मेरे को यार ये ठीक लगता है देखने में, ये थोड़ा आईज को सुटेबल रहता है. बाकी तुम्हें ये ओके लग रहा है तो कोई इशू नहीं है. 8 ये हो गया 13, दिस इज 3 अपॉन 2 1 अपॉन मॉड एक्स एंड दिस इज 7 अपॉन 3 माइनस 1 यानी 4 अपॉन मल्टीप्लाई विथ 2 अपॉन 3 एक्स निकाल रहे हैं. फाइनली एक्स तक जाने का ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर. फोर थर्टीन अपॉन ट्वेल्व दिस इज 8 अपॉन 9 फिर रेसिप्रोकल कर दो मॉड एक्स. अभी साइन फिर चेंज, 12 अपॉन 13 9 अपॉन 8 दिस इज 0 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 1 पॉइंट समथिंग. सब ओके चल रहा है, एक नंबर 0 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर 1 पॉइंट समथिंग से स्मॉलर. ओके फाइनली एक्स बताओ भी. यार ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, मतलब कोई बहुत फास्ट कर लेता है इस चीज को तो ओके, मतलब मेरे को कोई इश्यू नहीं है उससे. आपके अंदर थोड़ा स्किल है और आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हो ना तो बेस्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है. इस सब चीज में कोई कंसेप्ट नहीं था, ये जस्ट कैलकुलेशंस कर रहे हैं. आप विद इन वन स्टेप करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है. अच्छा mod x less than 5 क्या रिजल्ट होता है इसका? -5 टू +5 -5 टू +5 के लेफ्ट साइड मूव नहीं कर सकते. लाइक -5 के लेफ्ट में क्या आएगा बोलो? -6 एंड -6 का मैग्नीट्यूड 6 ग्रेटर देन 5 होता है. क्वेश्चन रहा होता दिस, अभी -5 लेफ्ट साइड और 5 राइट साइड, -5 के लेफ्ट साइड और 5 के राइट साइड, राइट साइड. तो ग्रेटर देन वाले में लेफ्ट और राइट आता है, लेस देन वाले में इनसाइड पोर्शन आता है. तो 9 अपॉन 8 यानी -9 अपॉन 8 और +9 अपॉन 8 अच्छा 12 अपॉन 13 का क्या लग रहा है? पोजीशन ए बी और सी? बी. तो यहां पे 12 अपॉन 13 यहां पे -12 अपॉन 13 लेफ्ट और राइट. फाइनल आंसर -9 अपॉन -12 अपॉन 13 यूनियन 12/13 to 9/8 फाइनल क्वेश्चन कैन बी इन एनी फॉर्म लाइक एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी टू सी टू डी सॉरी ए टू बी यूनियन सी टू डी देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2a + 3b कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन. तो मुझे लग रहा है ये स्टेप्स थोड़ा सा कम करना चाहिए हम लोगों को, ये सब फालतू स्टेप्स हैं. किसी को लग रहा है कुछ आइडिया कि सर इसको स्किप कर सकते हैं ऐसा कुछ? बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, बस ये सॉल्यूशन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट इसका रेसिप्रोकल 21 ये तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को. काम ये कर सकते हैं कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लाइक यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 फिर -1
फिर 3/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो फिर वही करना पड़ेगा, तभी ट्रेंड तो लगेगा उसमें। देखो इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हो, तुम्हें ये इजी लगता है तो ये कर लो। ठीक है, दोनों पार्ट साथ में सॉल्व किए थे, इनको सेपरेट भी कर सकते हो, लाइक दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। दिस पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 + 3/2x मॉडुलस लेस देन 21/8, then 3/2x modulus 21/8 - 1. बोलो 13/8 क्लियर? यस सर। 3/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8/13 और mod x यहां पे, ये क्लियर? Yes, sir. यानी mod of x greater than thirteen. This portion 1 + 3/2x modulus cross multiplication कर रहे हैं ना, greater than में आएगा अभी 21/ 9, 3/2, 1/ modulus x, 21/9 - 1, 7/3 - 1 is 4/5. Modulus of x less than 9/8. Less than inside portion, greater than outside portion. तो ये हो गया inside portion. 12/13 - 12/13, ये outside portion. कुछ बताओ तुम लोगों को, मतलब देखने में इसी solution क्या लग रहा है, this one और this previous one? Next. I think comfortable solution वही है जो just अभी हम लोगों ने solve किया था, दूसरा हाँ इजीली सेपरेट करके कर लो, वो बेस्ट है भाई, कोई इशू नहीं है। इसमें कुछ मैं सब भी नहीं हो रहा है ना, तो ये ओके है। एनी डाउट? नो सर। दिस क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो 4 कोफिशिएंट x इज इक्वल टू 1, बाकी सब सेम ही। T7 just 57, n + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 4/5x = 20. So this is 11 × 5/5
9 point something T10. ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव है तो ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड के साथ ग्रेटेस्ट करेक्ट. This type of find greatest coefficient. Nine to the power of 10. For coefficient, put x is equal to 1. So again n plus 1 upon 1 plus first upon 4 by 5 plus 11 into 5 upon 9. 55 upon 9 is almost 6.7. So coefficient 7. Of which term? T7. Seventh term will be maximum. क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. सेवंथ टर्म पूछा है जस्ट कोफिशिएंट ही पूछा है. तो कोफिशिएंट पूछा है तो आर इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 6. 10 सी 6 फर्स्ट नंबर टू द पावर हेड माइनस टेल सेकंड नंबर टू द पावर टेल. ये क्वेश्चन ये रहा होता कि सेकंड लास्ट मैक्सिमम तो यहां पे टॉप पे है T7 फिर आप फाइंड करोगे T6 और T8. अच्छा ऐसा नहीं होता कि T6 और T8 सेम होते हैं ना. ऐसा नहीं होता है. बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ओवरऑल कोफिशिएंट की बात हो रही है. कोफिशिएंट इफेक्ट होता है x से. सो T6 और T8 चेक करोगे फिर उनका मैग्नीट्यूड कंपेयर करके फिर आंसर बताओगे. क्लियर? और कंपेरिजन करने के लिए ऐसे नहीं कि कैलकुलेट करना है, पूरा डिविजन करो जस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. N plus 1 upon 1 plus first upon last. This equals to 9. Correct. Value of x calculate karo. Ho gaya question. माइनस फाइव एंड प्लस फाइव. नहीं प्लस माइनस फाइव नहीं आएगा. एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 अपॉन 35.
दिस ट्राई करो. अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा ओनली लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. टी इलेवन मतलब जस्ट टी इलेवन. Anyone who can explain this question? Yes, sir. हाँ बोलो. T11 मतलब m 10 point something आएगा. Basically n plus 1 upon 1 plus first upon last. हाँ बेटे अब बोलो बताओ. 10 point something आएगा ठीक है. Then this number will be between 10 and 11. 10 11 ओके. नेक्स्ट बोलो. रेसिप्रोकल. तो वो फर्स्ट वाला मेथड फॉलो कर रहे हो क्या? ये चलो रेसिप्रोकल कर लेते हैं. 1 अपॉन 10 1 अपॉन 11 साइन चेंज. दिस इज 1 प्लस 4 अपॉन 5x मॉडुलस अपॉन 16. नेक्स्ट बोलो. 16 मल्टीप्लाई माइनस वन. तीन मल्टीप्लाई एंड माइनस वन. 16 अपॉन 10 इज 8 अपॉन 5. 4 अपॉन 5 1 अपॉन मॉड एक्स. 16 अपॉन 11 माइनस 1. 5 अपॉन 11. 5 अपॉन 11 एंड 8 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5. 3/5. नेक्स्ट 5/4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई. सो इनटू 5 अपॉन 4 3 अपॉन 4 2 5 अपॉन 4 25 अपॉन 44. 25 अपॉन 44 करेक्ट है. रेसिप्रोकल. फिर रेसिप्रोकल साइन चेंज. 4 upon 3, 44 upon 25. Final answer. Comes to. Minus 44 by 25 to minus 3 by 4, sorry, minus 4 by 3 union 44 by 20, 4 by 3 to 44 by 20. Minus 44 upon 25 to minus 4 by 3 union 4 by 3 to 44 upon 44 upon 25. Correct. अभी आप सेक्शन बी के अंदर एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कर सकते हो. बस ये जो क्वेश्चंस है ना ये छोड़ देना. अभी वहां पे तुम्हें कुछ स्टेप से क्वेश्चंस मिलेंगे लाइक 1 प्लस 2 रूट 5. चलो मैं बता देता हूँ ना कौन से क्वेश्चन करने हैं. एक्सरसाइज वन पार्ट वन ए और सी ऑलरेडी बोला हुआ था. सेक्शन बी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अप टू बी सिक्स.
और यहां पे भी सेक्शन बी कंप्लीट। सो एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू सेक्शन बी कंप्लीट। बाकी एक्सरसाइज टू पार्ट वन पार्ट टू इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, टोटल 30 के आसपास क्वेश्चंस थे, वो ट्राई करके रखो। ओके सर। हाँ बोलो। एक बार सेक्शन सी का बताओ ना। सेक्शन सी पार्ट वन और पार्ट टू? पार्ट वन। पार्ट वन। हाँ क्या डाउट है बोलो।